मुझको भी तो लिफ्ट दिला दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट दिला दे। कैसे कैसे को मिली है, ऐसे वैसे को मिली है, मुझको भी तो लिफ्ट दिला दे। अरे मैं नहीं मांग रहा बंदरू, ईवीएम मांग रही है बेचारी। ईवीएम नेताजी से लिफ्ट मांग रही है। शेखर अरे क्योंकि चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हो गई बंदरू, कभी पीछे से किसी दयालु परोपकारी ईवीएम सेवी नेताजी की गाड़ी आ रही थी, तो उन्होंने ईवीएम को लिफ्ट दे दी। नेताजी ने सोचा होगा कि दिन भर में कितने लोगों ने इसके बटन दबाए हैं, थक गई होगी बेचारी, इसलिए दे दी लिफ्ट। इतने दयालु नेताजी हैं। हाय वही हाय। तो, एक तो ईवीएम पे एहसान किया, ऊपर से ये लोग हो हल्ला मचा रहे। आपको पूरे असम में कोई गाड़ी नहीं मिली, कोई गाड़ी नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की गाड़ी ही मिली। किस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के वजह से ये ईवीएम ऐसे बाहर निकाला? तुम ही बताओ बंदरू, ईवीएम में क्या होता है? वोट। हाँ, और वोट से सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? नेता। जय शाबाश। तो जिस ईवीएम में वोट भरे हो उसकी देखभाल हमारी नेताओं से ज्यादा कोई और कर सकता है क्या? बोलो, कर सकता है क्या? नहीं। तो बस इसलिए नेताजी बेचारी उस थकी हारी ईवीएम को अपने साथ ले जा रहे होंगे। लोग खाम खा ही हल्ला मचा रहे, उन्हें कूल रहना चाहिए, हमारी ममता दीदी की तरह ठंडा ठंडा, कूल कूल पब्लिक हमारी ब्यूटीफुल। ये क्या अंताक्षरी शुरू कर दी है शेखू? अरे बंदरू, अंताक्षरी यहाँ नहीं पश्चिम बंगाल में हो रही है, जहाँ बीजेपी और तृणमूल के बीच अंताक्षरी का जोरदार मसालेदार रैलीदार मुकाबला चल रहा है। दीदी, ओ दीदी, बीजेपी भारतीय जघन्य पार्टी। कूल 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 तृणमूल, ठंडा ठंडा कूल कूल। हम सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल कवियों और कलाकारों की धरती है, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, इसीलिए वहां चुनाव प्रचार करते करते नेता कविता और अंताक्षरी खेलने लगते हैं। वैसे तो वहां चुनाव के दौरान बम और बंदूक की आवाजें ज्यादा सुनाई देती रही है, लेकिन इस बार ऐसा बहुत कम हो रहा है। इस बार तो वहां जो धमाके हो रहे हैं वो शब्दों के सहारे हो रहे हैं। अब देखिए ना, जो ममता दी आग उगलने वाली नेता के रूप में मशहूर रही हैं, इस बार कैसा शायराना प्रचार कर रही हैं, देखिए तो सही। कुल कुल तृणमूल, ठंडा ठंडा कुल कुल, ठंडा ठंडा कुल कुल, वोट पावे तृणमूल, ठंडा ठंडा कुल कुल, माथा ठंडा करे जीतबे किंतु तृणमूल, ठंडा ठंडा कुल कुल, वोट पावे जोड़ापुर। तो ये है ममता दी का स्टाइल, लेकिन अपने प्रधानमंत्री मोदी जी भी किसी से कम नहीं है। मोदी जी तो शब्दों से खेलने में माहिर है, विरोधी की बात या नारे को ऐसा घुमाते हैं जैसे कोई बल्लेबाज फुलटॉस गेंद पे छक्का मारकर उसे बाउंड्री के पार भेज देता है कि नहीं। दीदी के खेला हुए नारे को उन्होंने कैसा घुमाया, याद है ना? याद है कि नहीं? खेला होवे बीजेपी बोले चाकरी होवे, खेला होवे बीजेपी बोले विकास होवे, खेला होवे बीजेपी बोले स्कूल होवे, दीदी स्कूल होवे। और इस बार भी उन्होंने लगातार ऐसा दूसरा छक्का जड़ा ममता दीदी के डायलॉग पर कि तृणमूल कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि गेंद किधर गया, आओ खिलाड़ी किधर दौड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा गंडगोल हो गया। दीदी को ये कहता देखता हूं, कूल कूल, धमकी और गालियां देने वाली दीदी अब कह रही है कूल कूल। दीदी, ओ दीदी, तृणमूल कूल नहीं,
बंगाल के लोगों के लिए शूल है शूल। बंगाल को असहनीय पीड़ा देने वाला शूल है तृणमूल। बंगाल को रक्त रंजित करने वाला शूल है तृणमूल। तो मोदी जी और ममता दी के बीच इस तरह का चुनावी अंताक्षरी का मुकाबला चल रहा है और इसी कारण बंगाल चुनाव प्रचार का नजारा इस बार कुछ बदला सा लग रहा है। परिवर्तित। दीदी बोले ठंडा कूल। मोदी जी बोले तृणमूल शूल। और बेचारी पब्लिक का बन गया अप्रैल फूल। पता है मेरा मन क्या कर रहा है बंदरू? क्या शेखरू? जब भी मैं शुभेंदु अधिकारी को देखता सुनता हूं ना, शुभेंदु अधिकारी को, तो मेरा मन मिथुन चक्रवर्ती की तरह ये कहने को करता है, क्या बात। ऐसा क्यों करता है ये भी तो बताओ। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, चलो अभी बता ही देते हैं। लेडी हिटलर। ये जंगल राज। वैसे तो हमारी पॉलिटिक्स में दल बदलुओं की बहार है, भरमार है, एक ढूंढो तो हजार मिलते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो इस बार रिकॉर्ड ही टूट गया। रिकॉर्ड कैसे टूट गया? रिकॉर्ड ऐसे टूट गया बंदरू कि आज की तारीख में बंगाल में बीजेपी के भीतर पुराने भाजपाइयों से अधिक संख्या पुराने तृणमूलियों की हो गई। जितने भी बड़े नाम आज वहां बीजेपी में दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक आध को छोड़ दें तो सब कभी ना कभी ममता दीदी के सिपह सहलार रह चुके हैं। मुकुल रॉय से लेकर मिथुन चक्रवर्ती तक सबका यही हाल है, लेकिन इनमें भी सबसे अलग थलग है शुभेंदु अधिकारी। वो कैसे? अधिकारी जी कुछ महीने पहले तक ममता दीदी के सबसे वफादार और दमदार साथियों में थे। यही नहीं, उनके पिता शिशिर अधिकारी भी तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, हालांकि वो भी बीजेपी के रैलियों में शामिल हो रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के परिवार के दूसरे सदस्य भी तृणमूल छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। मतलब ये कि और नेता लोग तो रिटेल में दल बदल करते हैं, अधिकारी परिवार ने तो होलसेल में ही दल बदल कर दिया। तो जो शुभेंदु कभी दीदी के अगल बगल हुआ करते थे, अब वो और दीदी नंदीग्राम में आमने सामने। इतना ही नहीं, वो अब दीदी को लेडी हिटलर भी बता रहे। ये सुनिए, लेडी हिटलर। और अब सुनिए कि एक वक्त में शुभेंदु दा ममता दीदी के तारीफ के पुल किन लफ्जों में बांधा करते थे। ममता बंदोपाध्याय सरकार दुहात भरे मानुष के उन्नयन करे छे। আমরা কাঁথি বাসী পূর্ব মেদিনীপুর বাসী চিরদিন দিদির কাছে কৃতজ্ঞ। মমতা ব্যানার্জি দিয়েছেন 18 সালে গান্ধীজির নামে ইউনিভার্সিটি দিয়েছেন, মেডিকেল কলেজ দিয়েছেন। তো ইয়ে হ্যায় শুভেন্দু দাদা কা অতীত। ইসকি এক মিসাল অর দেখি। বিজেপি হটাও, বিজেপি হটাও। অর উনকা वर्तमान तो आप सब जान ही गए हैं। हालांकि ये सब कोई अचरज वाली बात नहीं है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, फरमा चुका हूं कि जरूरी नहीं कि आज जो नेता किसी दूसरे बड़े नेता का गुणगान कर रहा है अगले चुनाव में वो उसे खलनायक साबित ना करे। मैं तो बस यही बताना चाहता हूं कि शुभेंदु अधिकारी पलटी के यानी परिवर्तन के कुशल खिलाड़ी हैं, है कि नहीं दादा? ये बाबुल मोरा थप्पड़ जड़ता ही जाए, ये बाबुल मोरा मोरा थप्पड़
जड़ता ही जाए। किसके बाबुल को याद कर रहे हो शेखर? अरे बीजेपी के बाबुल को बंदरू। अब तक तुमने बाबुल को प्यार करते देखा होगा, दुलार करते देखा होगा, मनुहार करते देखा होगा, अब थप्पड़ का वार करते हुए देखो। देखा, ये हैं पश्चिम बंगाल के टॉलीगंज सीट से बीजेपी के कैंडिडेट बाबुल सुप्रियो, जो कभी बहुत प्रियो प्रियो गाने गाया करते थे। पता नहीं उन्हें कौन सी बात अप्रियो लगी जो अपने पार्टी दफ्तर में इन भाई साहब को थप्पड़ जड़ दिया। मुझे तो लगता है कि ये उनके मंत्रालय का असर। मंत्रालय का असर? वो कैसे शेख? अरे बंदरू समझा करो, बाबुल जी क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री हैं। शायद इसलिए जलवायु परिवर्तन की तरह उनके मूड का भी परिवर्तन हो गया और लगा दिया एक चमाट। हालांकि बाद में बाबुल ने उसी हाथ की सफाई दिखाते हुए कहा, मैंने थप्पड़ मारा नहीं, मारने की सिर्फ एक्टिंग की थी, एक्टिंग। नहीं नहीं बाबुल जी नहीं, हमें तो ये थप्पड़ ही लग रहा है। एक बार फिर से दिखाई भाई, ये ऐसे नहीं मानेंगे। पतली गली से निकलने की कोशिश में दिखाई 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 दी। ये एक्टिंग नहीं, और वैसे भी आपका एक्टिंग से क्या लेना देना, आप तो सिंगर हैं, ये थप्पड़ ही लग रहा है। वैसे बंदरू, बाबुल का हाथ एक जगह और आगे बढ़ा, लेकिन इस बार भलाई के लिए। देखिए फिर क्या हुआ। इस वीडियो को देखकर लोग कुछ और ही समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शाह जी बाबुल के हाथ के साथ भी कांग्रेस के हाथ जैसा बिहेव कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो उनके हाथ को बचा रहे हैं कि कहीं बेचारे बाबुल का हाथ दिए की आग से झुलस ना जाए। आह कितने दयालु हैं। यकीन ना हो रहा तो फिर से देख लीजिए। दिखाओ भाई, दिखाओ दिखाओ। देखा कितनी फिक्र है शाह साहब को बाबुल की। लोग खाम खाई पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। सिली पीपल, बनाना पीपल, क्रेजी पीपल, गॉड डैम पीपल। एक बात बताऊं, ये दिखने में तो आम लग रहा है, लेकिन दरअसल ये आम आम नहीं है। मतलब ये आम उतना आम नहीं है। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। आम जो कह रहा है आप समझ रहे हैं? देखिए मैं समझाता हूं। आम ले लो, आम ले लो, आम आम लो और वोट दो, आम लो और वोट दो, हो गया ना ये आम खास। केला ले लो, केला केला। आई थिंक दे हैव गॉन बनानास। केला ले लो, केला। सेब के जैसा दिखने वाला संतरा ले लो, संतरा। जो भी फल चाहिए ले लो, पर वोट दे दो। ये क्या नया नाटक शुरू कर दिया शेखरू? अबे नाटक नहीं, पॉलिटिक्स है प्यारे, पॉलिटिक्स। ये कहाँ की पॉलिटिक्स है? ये तमिलियन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। तमिलनाडु में अब इसी स्टाइल में वोट मांगे जा रहे हैं। सारी दुनिया जानती है कि भारत एक अनोखा देश है, निराला देश है। यहाँ की राजनीति भी निराली है और यहाँ के नेता भी। अब देखिए ना, पश्चिम बंगाल के चुनाव में आरोपों का खेला हो रहा है।
हर पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगाकर वोट मांग रही है, लेकिन तमिलनाडु में बिल्कुल अलग ही अंदाज में वोट मांगे जा रहे हैं। ये देखो, ये हैं तमिलनाडु के टिप्लीकेन विधानसभा क्षेत्र के पीएम के पार्टी के प्रत्याशी एवीए कसाली। ये देखिए, ये खुल्लम खुल्ला वोटरों को लुभाने के लिए आम बेच रहे हैं। वैसे उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी आम ही है। खैर, आम बेचना तो फिर भी आम है। एक दूसरे उम्मीदवार ने तो और भी एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला। ध्यान से सुनिएगा, कूड़े के ढेर के सामने बैठकर, कूड़े के ढेर के सामने बैठकर लोगों की समस्याओं को सुनने और बीच बीच में एक स्ट्रीट डॉग से बतियाने का इन्होंने नायाब तरीका निकाला। जो उम्मीदवार ऐसा कर रहे हैं उनका नाम है मंसूर अली खान पटौदी। नहीं नहीं नहीं, तौबा तौबा, वो टाइगर पटौदी नहीं, ये तो है कोयंबटूर के ठोंडा मुथुर। हाँ, तो ये कोयंबटूर के ठोंडा मुथुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी। देखिए देखिए कैसे शान से कूड़े के ढेर के पास बैठे हुए हैं और एक प्यारा सा डॉगी भी उन्हें अपना हालचाल बताने आ गया। अब इन्हें ही ले लीजिए, ये है अन्ना द्रमुक के कैंडिडेट टी के एम चिनैया। चिनैया जी ताम्बरम सीट से चुनाव लड़ रहे। इन्होंने वोट मांगने के लिए रोटियां बेलनी शुरू कर दी, वो भी एकदम गोलम गोल। शायद ये साबित करने पे तुले हैं कि अपने घर में भी रोटी यही बनाते हैं और जीतने पर ये अपनी राजनीति की रोटियां भी सेकेंगे खुद ही। जब अन्ना द्रमुक वाले ये सब कर रहे हैं तो आइया द्रमुक वाले कैसे पीछे रहते, मतलब वो भी कुछ ना कुछ अलबेला तो करेंगे ही ना। इसलिए करूर सीट से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार सेंधिल बालाजी ने भाग मिल्खा भाग स्टाइल में दौड़ना शुरू कर दिया। भाग नेता भाग, भाग। खेला अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे बाबू मोशाय, खेला भी बाकी है रे। आई एम हैविंग अ बॉल डूइंग पोल खोल। तो ये था आज का पोल खोल। अब हम मिलेंगे अगले शनिवार को, तब तक के लिए शुभ खेला। चल बंदरू, नहीं तो मैं चला अकेला, चल अकेला, चल अकेला।